हाँ जी, अभी क्या हो रहा है, कपड़े धो रहे हैं, सूख रहे हैं, तह बन रही है, संदूक पर रख रही हूँ और आज इनको उठा लेती हूँ। कल से रखे हुए थे, मतलब यही हो रहा है, थोड़े से धो लेती हूँ, थोड़े से सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही, बार बार बारिश हो जाती है। मशीन बाहर निकाल रखी, उसमें सुखा लेती हूँ और फिर वही चारपाई पर डाल देती हूँ, कुछ पंखे में डाल देती हूँ, जब सूख जाते हैं फिर अपना अंदर रख देते हैं तह बना के। अभी बास्केट में लगा रही थी, दरअसल अवनी के अलग बास्केट में, कायरव के अलग में, और मतलब अभी ने अपने निकाले, कायरव के निकाले, सब उलट पुलट कर रखे हैं। अब इनको अच्छे से सही करके रखा है मैंने, और मैं भी नहाई नहीं हूँ, सुबह का ही काम निपटा रही हूँ। फिर नहा धो के मैं सोची हूँ कि मार्केट निकलूँ, तो अवनी बोल रही थी मम्मी और कितनी देर लगी। मैं, बेटा अभी तो बहुत सारा काम करके सिर्फ चलेंगे। 9 बज गए मम्मी। हाँ बेटा, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, पहले काम निपटा लूँ। यहाँ पे मिस्त्री ने कत्तर उत्तर बांधी दरवाजे रोकने को, ये लटक रही थी, इसको यहाँ से निकाल देती हूँ, दरवाजा बंद कर दूंगी किचन का। अभी रूम में बाबू बैठा हुआ था, उसको भी देखना पड़ता है, फिर इधर उधर जो सामान पड़े हैं वो सब सब सिंगवा दूँगी। आज दोनों बेटी मेरी काम कर रही हैं, दोनों लग रही हैं, लो मम्मी आपके साथ काम करते हैं, अकेले आप परेशान हो जाती हो। अभी यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें तो मुझे सिंगवानी पड़ती हैं। दोनों बहन नहा ली, एक आगे लग रही है शीशे में, एक पीछे लग रही है स्टूल पर खड़ी हो गई, दोनों बाल भारी हैं। देखो ऐसा लगता है जैसे मेरे एक नहीं दो जोड़वा बेटी हो। दोनों में 1 महीने की छोट बड़ाई है, एक आगे बाल भारी थी, एक पीछे बाल भारी। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया, उनको कुशल मंगल होंगे। अब वीडियो तो हमने सुबह ही स्टार्ट कर दी थी, एक दो वीडियो क्लिप भी शूट करी आप लोगों के साथ में। बारिश का ऐसा हो रहा है, आ रही बंद हो रही, आ रही बंद हो रही। अभी बारिश आई थी, फिर बंद होगी, फिर आती है, फिर बंद हो जाती है, ऐसा ही मौसम खराब चल रहा है। मतलब कहने का, आज तो मेरी जो आज वीडियो जाएगी, मतलब कल की जो आज वीडियो जाएगी वो भी शूट, वो एडिटिंग भी आके करती हूँ। फिलहाल जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि चलो हाँ कोई नहीं, चलो मौसम है ना ख़राब चल रहा है, कभी खुल जा कभी ख़राब हो जाए, सही हो रहा तो सभी निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मार्केट पहुँच के। क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या काम है, सब आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। वो सारी तैयारी करनी है मुझे आज। खुदी रोक लेगा, वो क्या कहीं जा रहा वाली ऑटो। वो नहीं जाएगा, अरे कहाँ है, नहीं जा रहा। जैसे ही हम लोग मार्केट में पहुंचे तो देखो भोलों के लिए कितनी व्यवस्था की गई है और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब मन लग रहा है। खाने पीने का, रुकने का, सब चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है, पुलिस भी काफ़ी थी, भोले निकालने के लिए पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, खाने पीने का प्रबंध है। तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुँच गए हैं शॉप पर, जहाँ पे केक मिलते हैं, और नई शॉप खुली है यहाँ पर, केक, पिज़्ज़ा और जो है पास्ता वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, टॉफ़ी, बलून्स वगैरह, केक से रिलेटेड भी और वैसी भी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो है ना फ्लेवर देख रहे थे, भैया पूछे थे कौन से फ्लेवर का बनवाना है, किस टाइम लेना है, और मैं पूछ रही कितने पैसे का, कितना है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पूछनी बतानी पड़ती है, तो सभी को पता है, डिटेल वगैरह लिखवानी पड़ रही थी। तो बस अभी केक का ऑर्डर करके हम लोग जो है ना वापस घर को निकल जाएंगे, मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बस अभी यहाँ पर है ना केक का ऑर्डर वगैरह करके हम लोग जो है ना यहाँ पे घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो बच्चे बोले कि हमको चाट खानी है। मैंने सोचा कि चलो भाई अरु भी आ रही है, इसको भी खिला देते हैं और बच्चों को भी खुवा दूँगी, चाट खा लेते हैं केक पत्ता। तो यहाँ पे एक पंडित जी खड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि जल जो है ना 16 तारीख का है, चढ़ाने को तो कोई कभी भी चढ़ा ले, पर 16 का है। फिर मैं यहाँ से लेने आई थी थोड़ी सी जलेबी, कायरव को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोची हुई गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा, इसको बताऊँगी नहीं, घर पर जाके दूँगी, और कान्हा जी के लिए भी जलेबी लेनी। तो यहाँ पर जहाँ पर हम ऑटो में बैठे थे, यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये बैल खड़ा हुआ था, तो भैया कह रहे कि कहीं टक्कर ना मार दे, मैंने कहा खड़ा है आराम से कोई नहीं, फिर भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया कि कभी कुछ हानि कर दे। तो अभी हम लोग है ना ऑटो में ही बैठे थे, बहुत देर पहले जब हम चाट कर दे तभी मौसम ख़राब सा लग रहा था, और एकदम से बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई कि मतलब लग नहीं रहा था कि आएगी, 1% लग भी रहा था कि आ जाएगी, एकदम से आई, बंद हो गए, फिर एकदम से इतनी तकड़ी आई, इतनी मोटी मोटी, जरसी देर में पानी भर दिया रास्तों में। पिछले कई दिन से इतनी बरसात है कि जंगलों में भी पानी भर रहा है, और बहुत बुरी स्थिति है, एकदम तेज़ बारिश आते ही गाँव में गली आ रही, रास्ते सब भर जाते हैं। और यहाँ पर है ना जो सवारी बैठी हुई थी वो भी भीग रही थी, बोलती कि भैया चलो, भैया बोले कि एक दो सवारी और आ जाए, अभी तेज़ हो रही है, थोड़ी धीमी हो जाएगी, निकल जाएगी।
तो हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके थे। तो आज तो कायरव बाबू भी डांस कर रहे थे, तो यहाँ पर भोले बाबा का गाना बजा रखा था। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया, मैंने भी बच्चों के साथ में थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा सा इंजॉय किया बहुत टाइम के बाद, वरना ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, बस वैसे ही टाइम नहीं मिलता घर के। काफ़ी सारा इंजॉय मैंने भी बच्चों के साथ में किया और गाना भी चला रखा था, तू भोला पर्वत का मैं रानी महल लागी, और बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। फिर अभी उसके बाद जो है ना सब्ज़ी भी लेके आई थी मैं मार्केट से, तो वही सब्जी जो है ना बास्केट में डाल के रख रहे थे। अपनी बोली थी मम्मी इसमें नींबू मिर्ची पड़ी हुई है, ये लहसुन है, मैंने कहा इसको ऊपर की साइड कर लेना बेटा, ये आलू जो है और ये सब्ज़ी इसको नीचे की साइड कर देना। सब्ज़ी तो इतनी महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगी, मुझे लगता है कि हाथ धरना भारी हो गया इस टाइम सब्जी पर। बताओ क्या ना खाएं क्या ना करें, टमाटर जो है ना 50 रुपये पाव है, एक पाव टमाटर 50 रुपये का है। इतने बुरा हालात हो गया है कि सब्जी खाने की तो बस देखकर ही जीने वाले हाल हो गए। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतनी महंगी सब्जी होगी तो क्या खाएंगे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 25 रुपये पाव थे कल तक और अब 50 रुपये पाव हो गए हैं, इतने महंगे, भगवान अब कैसे होगा हम आदमी का गुजारा, नमक की खाकर ही काम चलाना पड़ेगा, इतनी महंगाई आ गई है। अभी यहाँ पर मैं ना आज रूम के पर्दे चेंज कर रही हूँ और तरह के लगाए हैं, क्योंकि कल जो है ना बहुत स्पेशल डे है। आगे पूरी वीडियो देखिएगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर है ना अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, तो मुझे बनानी है आज आलू बैंगन की सब्ज़ी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं बनाऊँगी, आगे बताती हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा क्यों बना रही हूँ। यहाँ अपनी मेरी वीडियो शूट करी थी, कह रही मेरी मम्मी सबसे प्यारी, मेरी मम्मी से प्यारा कोई नहीं है, इस तरह की। मैंने कहा तेरी है मम्मी बस, दुनिया में एक सबसे प्यारी और किसी की मम्मी है ही नहीं। और यहाँ पर बस अभी सब्ज़ी काट के छोंक, अभी सब्ज़ी छोंक के है ना बस तैयार करके रख दूँगी, जब कॉल आएगी तभी आटा बना के रोटी रोटी बनानी रह जाएगी, तो बस जल्दी जल्दी सब्ज़ी में छोंक लगा देते हैं। और हम लोगों ने दोपहर में वहाँ समोसे वगैरह खा लिए, फिर घर पर आके नमक मिर्च के पराँठे खा लिए। तो मैं सोची कि अभी जब खाना लेके जाना है तो अब अपना भी सबका साथ ही बना लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी में लगा, ज़्यादातर सब्ज़ी जो है ना मैं जीरे में ही छोंकती हूँ, क्योंकि गोपाल जी की वजह से फिर मुझे लगता है कि हम लोगों ने खा ली, और गोपाल जी बिना सब्ज़ी के खाए ऐसा अच्छा सा नहीं लगता, मन मतलब गवाही सी नहीं देता। आप लोग कमेंट करोगे कि किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा दीदी, आप है ना वॉल पेपर श्रोगी अमनी बना रही है शिकंजी, उसने चीनी और पानी डाल लिया है। अमनी ने नींबू डाल लिया है और अभी शिकंजी बनी नहीं है, अभी वो घुलेगी। आज मैं खाना बहुत टाइम से बना रही हूँ, मतलब शाम का नहीं बना रही हूँ, मैं आपको बता दूँ खाना ना दोपहर का हो रहा ना शाम का हो रहा, बीच का हो रहा है। अभी मान लो कि हमारा तो इसमें शाम का ही हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी खाना बना रही हूँ तो मुझे कहीं लेके जाना है। अभी ये क्लियर नहीं है कि लेके जाऊँगी नहीं जाऊँगी, वो तो टाइम के अनुसार है, और फिर ऑटो के ऊपर भी बात है, तो ऑटो वाले भी आपको बोलना पड़ेगा कॉल करके कि मुझे ना शाम को वहाँ जाना है, तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा तो जल्दी चली जाऊँगी, लेट होगा तो फिर थोड़ा लेट ही पहुँच पाऊँगी। तो मार्केट का तो मैं करके आ गई जो मुझे करना था, आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर भी कर दूँगी मैं। अब दोबारा से जाना पड़ेगा, तो फिलहाल सब्ज़ी बना के रख दूँगी, और जैसे पता चलेगा कि आधे घंटे में एक घंटे में खाना लेके जाना है, बस आटा बना के रोटी बना के निकल जाऊँगी, थोड़ी चाय भी बना के ले जाऊँगी, फिर आप लोगों को मिलवाऊँगी भी किसके लिए खाना लेके जा रही हूँ मैं। शायद आप लोगों को खुशी भी हो ये चीज़ देखकर, क्योंकि मेरे मन में बहुत खुशी है, बार बार मैं कॉल करती हूँ पूछती हूँ। अब देखो कुछ भी मानो कि एक एक जो है रिश्ता जो होता है वो हमारा किसी के भी साथ हो, अट्रैक्शन किसी के भी साथ हो, तो हमें उसके लिए करना चाहिए। मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर उसे यही है कि मुझे वो लाइक करेगी, मैं अपने इच्छाएं उनको पूरा कर सकूं, मतलब खाने पीने की घूमने फिरने की नहीं है, दान दक्षिणा में हाथ बढ़ाऊं, दान करूं किसी गरीब गुरबा को। मुझे आप सब देते हो, मुझे भी भगवान इस लायक करे कि मैं भी किसी को दूँ, जितना मुझसे बनता है मैं करती हूँ, पर इससे ज़्यादा करूँ आप लोगों की दुआ से होकर, पर मेरा इतना नहीं है, इतना नहीं कर पाती, पर छोटा मोटा कुछ आपसे क्या दुआ से कर ही देती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, करूँगी बारिश बंद होने का इंतज़ार, अब तो करना पड़ेगा थोड़ा सा काम, तो बारिश जो है ना वो फिलहाल थोड़ी सी बंद हुई है। मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, पानी भर लेती हूँ, अभी तो है ना लाइट का क्या हो रहा है, आ रही है जा रही है, तो शाम में ही आएगी। अब मैंने सुना है कि 16 तारीख तक जो है ना ऐसे ही बारिश रहेगी। और आप मुझे है ना एक चीज़ और बताना कि जो है ना कोई बता रहा है जल 15 का है और कोई बता रहा है 16 का है,
तो आप लोग बताओ, आप 16 में जल चढ़ा रहे हो या 15 में चढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं आज जब कस्बे में गई तो वहाँ एक पंडित जी खड़े हुए थे, बच्चों को जहाँ चाट पा रही थी आज वो कुछ दिमाग दिया, तो वो बता रहे थे कि चाहे चढ़ा लो तो तुम आज चढ़ा लो, उस बात से मतलब नहीं है, सारे सावन चढ़ेगा, पर जो है ना जो शिव शिव चौदस है, शिव जिस दिन जल चढ़ता है वो जो है 16 तारीख में चढ़ेगा, कोई 15 को चढ़ा लो, वैसे असलियत का 16 का ही है। और तीजो जो है वो अगले महीने है, कुछ दिन जो है ना सावन अब के 2 इस वजह से है, कुछ दिन 15 दिन जो है ना लोंद के हैं, और जो है कोथली जो होती है ना तीजो की, वो अगले ही महीने आएगी, मतलब महीने के लास्ट में लोंद के हिसाब से जो भी दिन पड़ेंगे उनमें। और पर मानो ना मानो 2 सावन ही बोले जाएंगे। देखो बारिश आ गई, चलो मैं बर्तन तरपानी ले आऊँ, बात करने के चक्कर में मेरी बारिश तेज हो जाएगी। मैं यहाँ पर अभी है ना पानी भर लेती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। मैंने सोचा एक बाल्टी भरने के लिए क्या मैं मोटर चलाऊँ, नल से ही भर लेती हूँ। मेरी सास ने सोचा कि नल चढ़ रहा है, मोटर चला के पानी भर लेती हूँ। एकदम से सास रपट गई और गिर गई, और जो है ना मैं और अवनी भागे एकदम से, हम लोगों ने उनको उठाया, फिर वह उठ कर जो है ना बैठ गई और वहीं पर बैठ के बाल्टी में हाथ पैर वगैरह धो रही थी। अभी जो है ना मेरे को कुछ मलाई रखी हुई है कई दिन की, उसको अभी मैं बिलो लेती हूँ, घी निकाल लेती हूँ। घर में घी भी नहीं है बिल्कुल भी, दीपक जलाने के लिए राशन भी लाना था थोड़ा सा, अभी लाया नहीं गया, दोबारा देखती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, दूध की रही लगा दी है मैंने, और मैंने अवनी को बोला था कि पूछ ले अम्मा से, अम्मा अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को कॉल करे, दवाई दिलाए। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं मुझे दवाई नहीं खानी, मैंने ना दवाई खा लिया, ट्यूब लगा लिया, डॉक्टर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज है, अगर हस्बैंड नहीं है उनकी गैर मौजूदगी में ये सब चीज़ें, वो माने या ना माने रिश्ते को, अगर उन्हें चोट फाट लगती है, दिक्कत होती है तो मैं देखती हूँ। और मैंने उठाया भी उनको गैल एकदम, मैं नहीं मानती कि मैंने कुछ एहसान किया, बड़ी है मेरी, कोई बात नहीं, अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो करना फिर भी हमें ही है, आज भी हमें करना है, कल भी हमें करना है, भले जब तक उनकी इच्छा है जैसे रहने की वो रह सकती है। और अभी यहाँ पर अमनी की अम्मा ने मना कर दिया डॉक्टर के लिए कि मैंने दवाई ले लिया, मेरे बोलने का भी मन नहीं कर रहा। मैंने कहा तो चलो आराम कर लेने दे अम्मा को। और यहाँ पर अभी जो है ना मलाई मैंने बिलोई थी, वो घी जो है ना आ चुका है, इसको अभी निकाल लेती हूँ। दरअसल कई दिन से मैं देख रही हूँ मेरे गैस के चूल्हे जो है ना बहुत धीमे चल रहे हैं, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, रोटी नहीं बन पा रही है। एक ही चूल्हा भी चल रहा है बड़े वाला, वो बहुत मंदा चल रहा है, दूसरे वाला है वो बहुत उससे भी मंदा चल रहा है। तो अभी मुझे है ना पता नहीं था बर्नल वगैरह कहाँ होते हैं, मैंने कभी साफ ही नहीं किए। उस दिन भाई आया तो थोड़ा सा उसने साफ किया था, फिर आज मैंने देख भी। यहाँ पर मुझे है ना डब्बे में चीनी डालनी है, तो पहले मैं डब्बे को है ना अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो तो सुबह में ही दिया था, इसको सुखा के पोंछ लिया अच्छे से, बरसात में ना सब चीज़ें चिपचिपी सी हो जाती है, तो सूखा बिल्कुल साफ़ करके फिर चीनी निकाल के रख दी। इधर उधर जो सामान पड़ा हुआ था किचन में वो सब सिंगवा दिया, सुबह को फिर बहुत सारा काम है, इतने टाइम नहीं मिलेगा। 4-5 जो है थोड़ी सी परे को खड़ी थी तो बूंद लगती है, कपड़े भी ख़राब हो गए थे जो धो के सुखा रखे थे, दोबारा धोने पड़े, उसको थोड़ा सा इधर को खड़ी कर दूँगी। और अभी यहाँ पर गई थी मैं सास और सास के रूम में, और वहाँ पर हस्बैंड मिले नहीं, उनको देखने के लिए गई थी, क्योंकि देखो कल जो है ना बहुत स्पेशल डे है तो उसके लिए मुझे बोलना तो बनता है। तो यहाँ पर अभी जो है ना हस्बैंड बाहर गए हुए थे कहीं, मतलब गाँव में वो आ चुके हैं, तो इनको बोल देती हूँ कि कल जो है ना बर्थडे है, आपको यहीं रहना है, ड्यूटी नहीं जाना है। और देखो मेरा फ़र्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, ये सब चीज़ें, हम सब अलग नहीं हैं, घर के एक ही घर के सदस्य हैं। तो मैं उनको बोल रही थी कल कायरों का जन्मदिन है, ठीक है आप और मम्मी को यहीं पे रहना है। तो बस अभी जो है ना वो बाहर से आए थे, थोड़ा सा मैंने बताया ना मम्मी को चोट लगी तो उनको दवाई ववाई ला के दी उन्होंने। और अभी यहाँ पर मुझे है ना थोड़े से छोले भिगो कर रखने हैं, छोले भिगो कर रख देती हूँ सुबह के नाम के, सुबह को सब्जी में सोची हूँ कि छोले बना लूँगी, और देखती हूँ जैसा हिसाब लगेगा एक सब्ज़ी और हो जाएगी, वरना जैसे भी ठीक रहेगा सब आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर किया जाएगा। बस इनको है ना पानी डाल के रख देती हूँ, सुबह को जब उबालूँगी तो थोड़ा सा खाने का सोडा डाल लूँगी, उससे है ना खा देती हूँ। मैं मार्केट क्या करने गई थी, क्या मतलब सामान लेने के लिए गई थी, और आप लोगों को तो आगे आगे वीडियो जो आएंगे उनमें सब पता चल ही जाएगा, वैसे इससे ही अंदाज़ा लगा लोगे आप। तो चलिए आप लोगों को है ना मैं दिखा देती हूँ अभी सामान में क्या क्या लाई हूँ। तो एक तो ये है, ये दिख रहा है इस पर हैप्पी बर्थडे, ओके भाई हम ज़्यादा कुछ नहीं लाए क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सारी चीज़ें जो है ना अभी इतना सारा पैसा किचन में लगा है,
एकदम इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, इतना बड़ा हिसाब नहीं है कि इतना सब ज़्यादा खर्च कर पाऊँ, पर बच्चों की खुशियों के लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और एक ये वाला बलून लाए हैं हम अपने बाबू के लिए, एक ये बलून का पैकेट ये लाए हैं, और मोमबत्ती कहाँ गई हमारी, एक ही वाली मोमबत्ती लाए हैं बस, थोड़ा सा अपने हाँ हाँ मेरे बेटे की खुशी के लिए, बेटी की खुशी के लिए मैं बर्थडे मना। आप लोगों से तो कोई बात छुपी नहीं है, इतना ज्यादा खर्चा और अभी मैंने देखा कि कहाँ क्या होता है, देखती हूँ कोई के तो फिलहाल मैंने गैस के चूल्हे की जो बंदी देखे काम चला रही हूँ, तो मैं बहुत मुश्किल और यहाँ पर समय कट रहा है। और आप लोगों की आशीर्वाद है, भगवान की आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआ है, सब अच्छा अच्छा होगा, बहुत सारे प्यार की जरूरत है बस आप लोगों की। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। यार हाँ एक बात और आप लोगों से करनी है, आज हमारी सास मतलब जो है गिर गई, हम लोग पहले जो है सारा काम कर लिया था, मैं डाल के रखे हुए हैं, मैंने तो थोड़ा सा अंदर को सब काम के लिए तैयारी कर रहे थे, अभी देखो ठीक है फिलहाल थोड़ा सा परे को रहती है तो दवाई ले ली और धूप वगैरह लगा ली, तो उनको चोट लग गई गिर गई, वो उनको उठाया भी, फिर अम्मी ने पूछा मैंने उठा दिया, मैं अपने हस्बैंड से भाई पूछने की चाय पानी वगैरह पूछी है, डॉक्टर मैंने कर दिया, मैंने गोली ले ली चाय पी रहा हूँ, देखो गिर गई चोट लग गई, देखो उनको बोल भाई मैं तो बोल रही थी मैं सुनता ही कौन भी गई थी, मैं तो मम्मी थी फ्रेंड को बोल रही थी कि आप है ना यहाँ पे खड़ंचा लगवा दो कोई बता हमारे लिए ना सही, मम्मी के लिए भाई गिर गई जैसे हाथ चोट लगी किसी दिन ऐसे हाथ पैर भी टूट सकते हैं, कुछ ज्यादा भी चोट लग सकती है, तो आप यहाँ पे खड़ंचा लगवा दो, पर मेरी कोई सुनता नहीं, मेरा काम था कहने का, बट उनकी मर्जी है यहाँ पर, क्योंकि अब हम तो बड़े हैं, एक और को हमें भी लगेगी तो दिक्कत तो हमें भी होगी, उनके बड़े हाथ पैर हो रहे हैं, इस तरह टूट भी सकते हैं, थोड़ा पड़ जाएगा तो रात, मैंने तो बोला ये चीज करके सोनी पर चलो घर का राशन उनके ऊपर डिपेंड करता है, उन्हें क्या करना है क्या करना है, इन पे एक प्लेट और मैंने सारा पानी डाल देगा जो कल जैसे आप लोगों को दिखाती हूँ क्या स्पेशल डे।